विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। विश्वास नहीं होता, मेरा यह प्रयास विफल कैसे हो गया। एक बार और प्रयत्न करना होगा मुझे। सूर्यास्त हो गया। सावित्री, सूर्यास्त के साथ तुम्हारा व्रत संपन्न हुआ, चलो। स्वामी। सावित्री, सावित्री, सावित्री तुम यही विश्राम करो। स्वामी। सावित्री, तुम्हें ऐसी अवस्था में देखना मेरे लिए आसान ही है। क्यों कहा मैंने तुम्हें इतना कठोर व्रत करने के लिए? स्वामी, इससे अच्छी अवस्था तो मेरी कभी भी नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी कि जिस कामना के साथ मैंने ये व्रत किया है वो पूर्ण हो जाए, मुझे इस व्रत का सुफल प्राप्त हो जाए स्वामी। सावित्री, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। ऐसी भक्ति और निष्ठा का मान तो माँ भी अवश्य रखेंगी, वो तुम्हें आशीष अवश्य देंगी, तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी, कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। तुम जो चाहोगी होगा सावित्री। अपने स्वामी के जीवन के लिए इन्होंने इतना कठोर व्रत किया और उन्हें ही ज्ञात नहीं। देवी सावित्री, मैं तो आपको आपका व्रत करने से नहीं रोक सका, किंतु ये भी सत्य है आयु सभी की समाप्त होती है। तृष्णा एक ऐसी इच्छा है जो प्रतिदिन बढ़ती है, किंतु विधि का विधान ही है जो सदा एक समान है। और कल वही होगा जो विधि का विधान है। ये व्रत तो धर्म के पथ पर देवी सावित्री का एक छोटा सा भाग था। उनकी धर्म निष्ठा और उनके आत्मविश्वास का वास्तविक चमत्कार तो अभी होना शेष था। माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही की कृपा से मैं अपने 3 दिन का व्रत संपन्न कर सकी। माँ, देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार आज मेरे स्वामी के जीवन का अंतिम दिवस है। इस अनर्थ को टालने के लिए मैंने अपने व्रत का पहला पड़ाव पार कर लिया है माँ। किंतु पारण तो मैं तभी करूंगी जब उनकी मृत्यु टल जाएगी। माँ, आप मुझे साहस और शक्ति प्रदान कीजिए और आपकी कृपा से माँ आज का दिन उनके जीवन का अंतिम दिवस नहीं अपितु उनके नवीन जीवन का प्रथम दिवस बना सकूं। सावित्री, सावित्री देखो, सावित्री तुम्हारे व्रत के पालन के लिए मैंने कितने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए हैं। खीर, चूरमा, पूरी और ये सब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आओ, अन्यथा विलंब होगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं अभी पारण नहीं कर सकती। क्यों?
क्यों नहीं खा सकती? तुमने ही तो कहा था कि व्रत के चौथे दिन तुम पारण से अपना व्रत संपन्न करोगी। देखो अब समय आ गया है, आज चौथा दिन है। तुम तीन दिन से भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया तो भीतर शक्ति कैसे आएगी? मैं तीन पहर कुछ ना खाऊं ना तो मरना सन हो जाता हूँ। स्वामी क्यों अशुभ बातें कर रहे? शुभ शुभ बोलिए स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा संकल्प मेरा प्रण ज्ञात है। आज सूर्यास्त के बाद पति पूजन के बाद ही मैं अपना पारण करूंगी। अभी मुझे क्षमा कीजिए। किंतु देवी तुमने तो कहा, यदि आप बार बार मनोहर करेंगे तो मैं आपको नकार नहीं सकूंगी स्वामी, किंतु तब मेरा तीन दिन का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। उचित है तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, सूर्यास्त तक तुम्हारे निकट ही रहूंगा। उसका क्या लाभ स्वामी? कार्य या कर्तव्य अधूरा छोड़ने से अनुष्ठान भी अधूरा रह जाता है, और कार्य का महत्व तो सबसे अधिक है। स्वामी आप यहाँ रहने के स्थान पर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? स्वामी मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे ले जाइए ना स्वामी। नहीं प्रिय, तुम तीन दिनों से भूखी हो, एक पांव पर खड़ी हो, इतना कठोर व्रत कर रही हो, एक अन्न का दाना नहीं, जल की बूंद नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं किया तुमने। देखो मैं तुम्हें अपने साथ वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इस अवस्था में इतनी गर्मी में मैं तुम्हें अपने साथ वन नहीं ले जा सकता। किंतु तुमने उचित कहा, परिस्थिति कोई भी हो परिश्रम तो परम धर्म है। मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो गया है। परिस्थिति कोई भी हो परिश्रम तो परम धर्म है, मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सावित्री, सावित्री तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मैं तो मात्र अपने दिनचर्या के अनुसार वन में जाने की बात कह रहा हूँ, और तुम तो ऐसी रो रही हो जैसे मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए, मत करिए ऐसी अशुभ बातें। सर्वथा उचित ही कहा सत्यवान ने, उसके संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। स्वामी आप क्यों बार बार जाने की बात कर रहे हैं? स्वामी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप जहां जाएंगे मैं वही आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी, फिर वो वन हो या यमलोक। प्रिय मुझे क्षमा कर दो, मेरे शब्दों ने आपको बहुत आहत किया, मेरा ये आशय नहीं था। स्वामी तो मान लीजिए ना मेरा निवेदन, ले चलिए ना मुझे अपने साथ, आज मैं एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, साया बनकर आपके साथ रहना चाहती। पुत्र सावित्री की अगर इतनी प्रबल इच्छा है तो उसको अपने साथ लेकर जाओ, वैसे भी इससे पहले इसने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है और ना ही कहीं जाने का अनुरोध किया है, बस हमारी सेवा में लीन रहती है। पुत्र उसकी ये इच्छा पूर्ण करो। हाँ पुत्र, नारी के मन की था पाना अत्यंत कठिन है, वो जो कहती है या करती है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है, इसलिए तुम सावित्री पुत्री को भी अपने साथ ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। यही एक इच्छा तो है मेरे मन में कि आपका ये आशीर्वाद फलित हो, इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो
इच्छा अनिच्छा नहीं, धर्म सर्वोपरि है। मैं अपना धर्म, अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगा। सावित्री, ये उचित स्थान है, तुम यहां विश्राम करो, मैं अपना कार्य समाप्त कर शीघ्र लौटता हूं। तुम यहां बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। कैसा अशुभ भ्रम था मेरा। स्वामी, स्वामी, क्यों आ रहे हैं मेरे मन में ऐसे अशुभ विचार। बुरे विचारों का मन में आना उचित नहीं। जाओ, जाओ। यहां तो आगे कुआं, पीछे खाई है। यमदेव के आदेश का पालन तो करना ही होगा, किंतु इन देवी के निकट जाने में भी संकट है। सावित्री, स्वामी, स्वामी आगे एक विषैला कंटक है, सावधानी से चलिए स्वामी, अभी चुप जाता आपको। सावित्री, ये कोई विषैला सर्प नहीं है, मात्र एक कांटा है। कि तुम इस वन में, मैं बाल्यावस्था से आता हूँ, तो इन कंटकों का आभास है मुझे। तुम चिंता मत करो सावित्री, मैं शीघ्र लौटता हूँ। ठीक हूँ सावित्री, मेरी चिंता मत करो।
ऐसी असावधानी क्यों की? सावित्री, तुम व्यर्थ में चिंतित होती रहती हो। किंतु स्वामी, तुम्हें पता है ना मेरा कार्य ही कुछ ऐसा है। आज तक कभी कोई हानि नहीं पहुंची। लाओ ये कुल्हाड़ी दे दो, मुझे दे दो ना, बस ये डाल काट लूं, फिर साथ में घर चलेंगे। लाओ। धन्यवाद। प्रभु यमदेव, जब तक देवी सावित्री सत्यवान के साथ है, उनके प्राण लेना असंभव है। तुमने उचित ही कहा। जब तक पति धर्मपरायणा नारी अपने पति के साथ है, हम उसके पति के प्राण नहीं ले सकते। देवी सावित्री को सत्यवान से दूर करना ही होगा। माँ, कृपा कीजिए मुझ पर, मेरे स्वामी का कोई अहित ना हो, दया कीजिए माँ। सावित्री, थोड़ा जल दो ना, प्यास लग रही है। स्वामी, मैं अभी लाई। यही उचित अवसर है। भी असफल हो गई। स्वामी, स्वामी अब ठीक है? प्यास के कारण उचित हो रहा हूं। स्वामी संभालिए। जल जल जल। स्वामी, क्या हो गया आपको? स्वामी, सावित्री, ये कैसी प्यास है? मेरे प्राण सूख रहे हैं। स्वामी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी, विश्वास रखिए स्वामी, मेरे होते आपको कोई हित नहीं कर सकता। स्वामी, मैं अभी चल आती हूँ। सावित, आपको कुछ नहीं होगा। सावित, चल। हाँ।
क्या हो गया आपको? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया बाप? ये कैसे होने दिया आपने? स्वामी नेत्र खोलिए, स्वामी कभी नेत्र, स्वामी उठिए, स्वामी उठिए, उठिए स्वामी, स्वामी मुझे क्षमा करना देवी। आपके अद्भुत पति धर्म परायणता का साक्षी बनने पर भी मुझे अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। कथा के आरंभ में माता सावित्री का परिचय देते समय तो आपने कहा था कि उन्होंने स्वयं यमदेव को भी विवश कर दिया था, अपने पति के प्राण स्वयं धर्मराज से सुरक्षित किए थे। हाँ पुत्र, उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी पुत्री को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। और यदि इनके भाग्य में राज्य योग होगा तो इन्हें अवश्य मिलेगा। मैं तीन पहर ना तो मरणासन हो जाता हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी, कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। तुम जो चाहो कि होगा सावित्री, तुम जो चाहो कि होगा सावित्री। अब जहां जाएंगे मैं वही आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। हे माता गायत्री, वेदों की अधिष्ठात्री देवी, ना तंत्री वादते वीणा, ना चक्रो वादते रथ, ना आपति सुख में दे या शादपी शताद्मदा, अर्थात जैसे वीणा तारों के बिना बजाई नहीं जा सकती, मेरा पहिए का रथ नहीं हो सकता, वैसे ही एक स्त्री बिना पति के सुख नहीं पाती, चाहे वो 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो। माता, आज मेरे धर्म, मेरे कर्म और मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम, मेरी आस्था की परीक्षा है। माता, यदि मेरा पति धर्म परायणता सच्ची है तो मुझे गति की शक्ति दीजिए कि यमदेव मेरे पति के प्राण मुझसे दूर नहीं ले जा सके। माता, कुछ तो है जो उचित नहीं है। लौट जाइए देवी, आप इस प्रकार यमलोक नहीं आ सकती। लौट जाइए और अपने पति के दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। हे धर्मराज, हे यमराज, यदि आप मेरे स्वामी के प्राण ले जाएंगे
तो आपको मेरे भी प्राण ले जाने होंगे। यदि दाह संस्कार होगा तो हम दोनों का होगा, अन्यथा नहीं होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा तो अजर अमर है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गला सकता है, ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो पुत्री, तुम मात्र नश्वर देह के लिए व्यर्थ विलाप कर रही हो। नहीं पुत्री, मुझे मत रोको, मैं तो मात्र अपना धर्म निभा रहा हूँ। साध्वी नाम तु, सता नाम तु, शिले सते श्रुते सिते, श्री राम पवित्रम परम, पति एको विशेष्यते। अर्थात सदाचार, सत, ज्ञान और मर्यादा में रहने वाले साधु और पति धर्म परायणता स्वभाव की स्त्रियों के लिए उनके पति ही पवित्र और परम विशिष्ट होते हैं। उनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए यदि स्वामी जीवित नहीं है तो फिर मेरे जीवन का भी क्या लाभ। प्रकृति तो ईश्वर के अधीन है, वो समस्त जीवों को उनके कर्म के अनुसार बार बार नवीन जीवन देती है। यदि प्राणी का एक जीवन समाप्त नहीं होगा तो उसे नया जीवन कैसे प्राप्त होगा? उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म को सुधारने का अवसर कैसे मिलेगा? यही नियति है और यही मेरा कर्तव्य। तो फिर उचित है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने पति के प्राणों के साथ जाकर अपने धर्म का पालन करूंगी। हट करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाएगी देवी। आगे परलोक की नदी वैतरणी है, उसे कोई भी मनुष्य सदेह पार नहीं कर सकता। उसमें प्रवेश किया तो वहीं रह जाओगी। इसीलिए लौट जाओ, अन्यथा न पति के प्राण के साथ जा सकोगी और ना ही उसका अंतिम संस्कार करने लौट सकोगी। ये तो यमराज ने उचित ही कहा है माँ, कोई भी जीव देह के साथ वैतरणी को पार नहीं कर सकता। फिर माता सावित्री ने अपने पति के प्राण कैसे लौटाए? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पुत्र, जब व्यक्ति आत्मा को भुलाकर शरीर का दास हो जाता है तो वहाँ आत्मा गौण हो जाती है। किंतु जब किसी की आत्मा देह के बंधनों को भुला दे तो वो शरीर भी आत्मा समान दिव्य हो जाता है पुत्र। नारायण नारायण। हे गायत्री माता, कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ देवर्षि नारद, किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? माँ, इस पुत्री को मैंने ही नाम दिया हो, उसी को वैतरणी में उलझा हुआ कैसे देख सकता हूँ? माँ रोक लीजिए, पतिव्रता साध्वी सावित्री और यमराज के मध्य इस वाद विवाद को रोक लीजिए। माँ पुत्री वैतरणी में जा रही है, रोक लीजिए माँ, अनर्थ हो जाएगा। माँ, किसी को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। किंतु माँ, पुत्री सावित्री वैतरणी कैसे पार करेगी? ये संभव नहीं है, ना ही ये विधि का विधान है। कदाचित वो वैतरणी में नहीं उतरेगी, उसके पहले ही रुक जाएगी। आचरण के साथ जो अपने कर्तव्य का पालन दृढ़ता पूर्वक करते हैं, प्रकृति की दृश्य अदृश्य शक्तियाँ सदैव उनकी सहायता करती हैं। अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। तो फिर आप अपनी इस पुत्री को आशीर्वाद दीजिए, मेरे 100 कुलदीपक पुत्र। तथास्तु। धर्मराज,
एक नारी बिना पति के माँ कैसे बन सकती है धर्मराज?